जैसे ही बच्चे वीडियो गेम खेलने का नाम लेते हैं तो उनके माता पिता नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वीडियो गेम खेलना सिर्फ समय की बर्बादी है और इससे बच्चों का नुकसान ही होता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि वीडियो गेम खेलना बच्चों के लिए विकास में कई तरह से मदद करता है। कई बार वीडियो गेम जीवन से जुड़े लाइफ स्किल्स सिखाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में वीडियो गेम से जुड़े फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो गेम के फायदों के बारे में। नंबर एक, वीडियो गेम खेलने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है। इसका कारण ये है कि ज्यादातर गेम में बच्चों को जीतने और आगे बढ़ने के लिए चीजों को खोजना पड़ता है, प्लानिंग करनी होती है और तोल मोल या व्यवस्थाएं करनी होती है और अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पड़ती है। नंबर दो, ज्यादातर वीडियो गेम रियल टाइम में खेले जाते हैं और इनकी रफ्तार बेहद तेज होती है, जिसमें बेहद कम समय में गेम खेलने वाले प्लेयर को जीतने के लिए या फिर गेम में आगे बढ़ने के लिए तुरंत सही फैसले लेने होते हैं। ऐसा करने से बच्चों की फैसला लेने की क्षमता बेहतर होती है। नंबर तीन, ज्यादातर वीडियो गेम्स इन दिनों ऑनलाइन खेले जाते हैं या फिर टीम बनाकर खेले जाते हैं, जिसमें एक साथ कई प्लेयर शामिल होते हैं। इस तरह के गेम में शामिल होने से बच्चों को दूसरों के साथ टीम वर्क में काम करने, मिलजुल कर समस्या सुलझाने, जीत हासिल करने और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करके खेलने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। नंबर चार, वीडियो गेम खेलने के दौरान बच्चे हाथ और आंख के बीच किस तरह से बेहतर तालमेल बिठाना है यह सीख जाते हैं। रोजाना के जीवन से जुड़ी कई गतिविधियों को करने के लिए हाथ और आंख के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है। नंबर पाँच, वीडियो गेम खेलते वक्त अपने दोस्तों या साथ खेलने वाले प्लेयर्स के साथ होड़ लगाना और कंपटीशन की भावना विकसित होना बेहद सामान्य सी बात है, जिनसे उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना बेहतर तरीके से अभिव्यक्त हो पाती है। अब बात करेंगे कि वीडियो गेम से जुड़े नुकसान के बारे में। नंबर एक, अगर बच्चा शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की बजाय दिन भर एक ही जगह पर बैठकर वीडियो गेम खेलता रहे तो उसकी सेहत पर कई तरह से नकारात्मक असर पड़ सकता है। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने और निष्क्रिय जीवन शैली अपनाने से बच्चों में ही मोटापे की समस्या हो सकती है, मांसपेशियां और हड्डियों कमजोर पड़ सकती है और हाथ और उंगलियों में सुन्नता भी आ सकती है और लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने की वजह से आंखें भी कमजोर हो सकती है। नंबर दो, अगर कोई बच्चा पहले से डिप्रेशन और किसी मानसिक समस्या से पीड़ित हो तो उस बच्चे में वीडियो गेम खेलने की लत का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मानसिक सेहत पर कई तरह की समस्याएं हो सकती है। कई बार अगर पेरेंट्स ध्यान न दे तो बच्चे किस तरह का वीडियो गेम खेल रहे हैं या बच्चे ऐसे गेम भी खेलने लग जाते हैं जिसमें हिंसा से जुड़ी चीजें होती है, जिसकी वजह से बच्चों का व्यवहार भी आक्रामक हो जाता है। नंबर तीन, वीडियो गेम का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू सामाजिक दूरी बनाता है। भले ही गेम्स मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं, इसमें बच्चे गेम के दौरान एक दूसरे से बहुत कम ही कनेक्ट हो पाते हैं। इस वजह से बच्चों के मन में अकेलापन आ जाता है और उनकी मानसिक सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो अब हम बताते हैं बच्चों को वीडियो गेम देते हुए माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को वीडियो गेम देते हुए माता पिता को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, बच्चों को तब तक वीडियो गेम न दे जब तक वे स्कूल जाना न शुरू कर दे, यानी 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीडियो गेम सही नहीं माना जाता। नंबर दो, घर के बाहर आउटडोर गेम खेलना और बाकी की शारीरिक गतिविधियों को भी बच्चों के लिए रोजाना की एक्टिविटी में शामिल करें। नंबर तीन, इस बात को भी सुनिश्चित करें कि वीडियो गेम बच्चे के कमरे में नहीं बल्कि कॉमन एरिया में हो, जहां आप बच्चों पर नजर रख सके। नंबर चार, अगर बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो वे अजनबी से किसी तरह की बातें न करें और उनके साथ अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। नंबर पाँच, वीडियो गेम खेलने के दौरान समय को सुनिश्चित करें ताकि बच्चे को उसकी लत न लगे और वह गेम के चक्कर में पढ़ाई और बाकी चीजों को इग्नोर न करे। नंबर छह, माता पिता को भी बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ पेरेंट्स की बॉन्डिंग मजबूत हो जाए। नंबर सात, बच्चों के लिए वीडियो गेम खरीदने या उन्हें खेलने देने से पहले माता पिता को गेम की रेटिंग, उम्र सीमा और उनके कंटेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।